मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने दबंदगी की है, यानी जलाया है और कीले भी गरम गरम उन पर वो लगाया है। उन्होंने तरह तरह के मेरे साथ बियर भी पिला पिला के मुझे मारा है, करंट लगाया है मेरे करंट। यूपी पुलिस का सिपाही बना हैवान, अपनी पत्नी के साथ सिपाही ने किया बड़ा कांड, प्लास से उखाड़े नाखून, प्राइवेट पार्ट को जलाया। कानून का रखवाला बक्षक बन रहा पुलिस वाला। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कांस्टेबल ने अपनी ही बीवी के साथ ऐसी हैवानियत की जिसे सुन किसी की भी रूह कांप जाए। वैसे तो पुलिस वालों को समाज में रक्षक कहा जाता है, लेकिन कभी कभी ये रक्षक दूसरों के साथ साथ अपनों के लिए भी भक्षक बन जाते हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का है। आरोप है कि सिपाही ने अपनी बीवी को दहेज की खातिर इतना टॉर्चर दिया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पति के अलावा ससुरालियों ने भी विवाहिता को टॉर्चर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस ने विवाहिता के भाई की तहरीर पर मामला दर्ज कर सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी कांस्टेबल अब भी फरार है, उसकी तलाशी की जा रही है। ये पूरा मामला मुरादाबाद के पागवाड़ा इलाके का है। यहाँ रहने वाले सिपाही पति पर दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पीड़िता के भाई ने कहा, जीजा ने मेरी बहन को लोहे की रॉड से पीटा, उसे गर्म करके बहन के बदन को जला दिया, उसने मेरी बहन के नाखून तक तोड़ दिए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उन्हें दहेज में कार नहीं दी थी। यही नहीं, मेरी बहन के प्राइवेट पार्ट पर भी अटैक किया, इससे बहन के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट के निशान है। पुलिस अधीक्षक नगर रणविजय सिंह ने मामले में तुरंत एक्शन लिया, महिला के सास ससुर को गिरफ्तार किया। आरोपी सिपाही अब भी फरार बताया जा रहा है, उसकी तलाशी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। कल SHO पागवाड़ा को मॉर्निंग में एक व्यक्ति ने आके सूचना दी कि उनकी बेटी की शादी गांव जेवड़ा थाना पागवाड़ा में हुई थी एक विकास नाम के व्यक्ति से 3 साल पहले, और उसमें जो ये विकास पति है उसने उनकी बेटी के साथ काफ़ी मारपीट की है और उनको गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत किया और उसके बाद 3 व्यक्तियों के खिलाफ इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके अभी जेल भेज दिया है। जो उसका पति है विकास, ये एब्सकॉन्डिंग है, उसके लिए भी टीम लगा दी गई है। पीड़िता के पिता ने बताया, मेरी बेटी की शादी 3 साल पहले जिवदा थाना क्षेत्र के पागवाड़ा इलाके में हुई थी। उसके पति का नाम विकास है और वो यूपी पुलिस का कांस्टेबल है। उसकी पोस्टिंग फिलहाल उन्नाव में है। विकास शादी के बाद से ही मेरी बेटी को दहेज के लिए परेशान करने लगा। हमें लगता था कि उस समय के साथ साथ वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीड़िता के भाई ने कहा, साहब पिछले कुछ समय से विकास उर्फ विक्की रोज मेरी बहन को परेशान कर रहा था, कह रहा था कि अपने घर से कार लेकर आ, नहीं तो वापस चली जा। बहन के ससुराल वालों ने भी उसे खूब परेशान किया। हद तो तब हो गई जब 2 दिन पहले मेरी बहन को जीजा ने लोहे की रॉड से पीटा, रॉड को गर्म करके बहन को जलाया, प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया। ससुराल वालों ने भी मेरी बहन की कोई मदद नहीं की। हमें जब इस बारे में पता चला तो हमने ससुराल पहुंचकर बहन को अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत बहुत नाजुक है। पुलिस आरोपी विकास उर्फ विक्की की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी सास ससुर को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। मामले में आगामी कार्रवाई जारी है। मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने दबंदगी की है, यानी जलाया है और कीले भी गरम गरम उन पर वो लगाया है। उन्होंने तरह तरह के मेरे साथ बियर भी पिला पिला के मुझे मारा है, करंट लगाया है। और वैसे भी केबल से, कभी के तार से, कहीं कुछ कभी कभी बहुत मारा है। 1 महीने से मुझे वो कर रहे जा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। एक महीने से लगातार मार रहे हैं मुझे, लगातार, कभी केबल से, कभी डंडे से, कभी किसी से। और बंद करके कमरे में मुंह पर डाटा लगा के तब मारते हैं मुझे, और नहीं कोई देखना, नहीं कुछ करना नहीं। और वैसे भी पिला पिला के भी मारते हैं, और कहीं केबल से, कभी तार से, खूब जला के मारा है मुझे। जहाँ जहाँ नहीं मारना वहाँ भी मारा है, बॉडी की जगह तक केबल से, यानी पेचकस से मुझे गरम गरम करके मारा है।
वहीं इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।